हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपको पता ही है कितनी बड़ी कंपनी है। अगर टाटा की ग्रुप की एक सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है टीसीएस, जो कि शेयर लगभग 3,042 रुपये का चल रहा है। इससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है 16,000 करोड़ रुपए का रिटेल इन्वेस्टर को चूना लगा के शेयर खरीद लिए थे बाईबैक के थ्रू। तो उसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि किस तरीके से टीसीएस ने ये गेम खेला, और रिटेल इन्वेस्टर जो कि बस पैसों के पीछे भागते हैं, उसके पीछे का रीज़न नहीं जानते। तो उसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। बिफोर दैट, आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ। एंजल ब्रोकिंग जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है, 0 डिलीवरी चार्जेस है, फ्री में डीमैट अकाउंट, अच्छा कस्टमर सर्विस से भी रजिस्टर, सबसे मेन बात। सो ऐसे ही ब्रोकर्स के पास हमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए जो सेबी रजिस्टर्ड हो। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, टीसीएस का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड मार्केट कैपिटल आपको पता ही है रिलायंस के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर आज का परफॉर्मेंस, तो लगभग 114 रुपये का जंप, मतलब 4% के लगभग यहाँ पर जंप देखा गया है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम तो देखिए 4% है ही। मैंने और एक वीडियो बताई थी कि किस तरीके से इस कंपनी ने 50,000 रुपये को 50,000 रुपये को 1 करोड़ रुपये में तब्दील कर दिया था अपने लिस्टिंग टाइम से। तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो भी है, ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, तो उसे आप देख लीजिएगा। तो टीसीएस कंपनी में 16,000 रुपये का, जैसे कि आपको पता ही है, कुछ दिन पहले बाईबैक लाया गया था। तो बाईबैक लाया गया था तो 163% लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर लिया और अपने शेयर कितने 3,000 रुपये के भाव से दे दिए टीसीएस को वापस। और वापस देने पर आपको जैसे ही पता है, रिजल्ट रिजल्ट से पहले ही ये सब कुछ हुआ है 20 तारीख को। जैसे कि यहाँ पर अगर हम डेट देखें तो 18 दिसंबर को ये बाईबैक इनिशिएट हुआ था और अब सब बाईबैक हो चुका है। और 8 तारीख को जो कि रिजल्ट का दिन है, ओके, इससे पहले ही यहाँ पर सब कुछ खेल हो गया और टीसीएस का शेयर जो 3,000 रुपये में टीसीएस ने वापस ले लिया। और ये अभी कब, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाकी बचे हैं, पूरा वीक बाकी बचा है, तो इसमें ये लगभग 3200-3300 रुपये तक जाएगा। तो आपको 200-300 रुपये पर शेयर का हो गया है घाटा, सिंपल सी बात ये है। तो बाईबैक जब हमारी के पास कंपनी जो निफ्टी 50 की टॉप की कंपनीज हमारे पास होती है ना, तो उसमें हमें बाईबैक नहीं देना होता, क्योंकि यही जो कंपनीज होती है, ये कंपनी हमें पैसा बना के देती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसे ही कहते हैं इन्हें। क्योंकि टीसीएस क्यों वापस लेगी अपने शेयर? टीसीएस इसलिए वापस लेगी ना, क्योंकि टीसीएस को पता है कि हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है। उन्हें पता है कि शेयर भाई आगे, अभी रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आते ही साथ किस तरीके से भागेगा। आप अगर हम 1 ईयर का चार्ट पैटर्न भी देखते हैं तो देखिए लगभग 2100-2200 रुपये चल रहा था, 1600 रुपये पे शेयर आया था, फिर भी देखिए इसके बाद क्या रिटर्न्स इसने दिए। अगर हम वापस, अगर मैक्सिमम की भी बात कर ले तो लगभग 83% के। और अगर हम मैक्सिमम आपको बोनस वोनस हटा के अगर वैसे सिंपल बात बात बताऊं तो देखिए 1 डे का चार्ट पैटर्न 4%, 1 वीक 4%, 1 मंथ 11%, 3 मंथ्स में 20%, 10 ईयर्स में 433%, 1 साल में 38%। और जैसे कि मैंने ईयर टिल डेट में आपको दिखाया था कितने, लगभग देख लीजिए यहाँ पर, तो ईयर टिल डेट की अगर हम बात करते हैं, 19 मार्च से या 9 महीने के अंदर अंदर लगभग 85-86% के आपको रिटर्न्स यहाँ पर बना के टीसीएस ने दिया। तो ऐसी कंपनी में बाईबैक नहीं, बाईबैक आता है तो नहीं लिया जाता, क्योंकि ये कंपनी बहुत फंडामेंटली साउंड है। इंडिया की टॉप टॉप 5 कंपनीज में इसका नाम शुमार होता है और टीसीएस का नाम ही बहुत कुछ हो। देखिए लगभग 27% की डिलीवरीज आज की डेट में उठाई गई है, 1506 रुपये का 13 मार्च को मिल रहा था ये शेयर। अभी आज के दिन भी देखिए फ्रेश हाई 3,050 रुपये का फ्रेश हाई आज के दिन ही इसने बनाया है। अगर कंपनी इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लगभग 72.05% शेयर प्रमोटर्स के पास ही है। एज वेल एज बाईबैक जो 26 नवंबर को अनाउंस हुआ था और 18 नवंबर को इनिशिएट हुआ था, और डिविडेंड 5-5, 6-6 बार तो डिविडेंड देता है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ना तो शायद 4 या 5 बार इन्होंने डिविडेंड दिया है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर बात करें, केवल माना के बराबर 2.94% शेयर गिरवी रखे हुए हैं। तो ये है टीसीएस की कहानी।
और 8 तारीख को इसके हैं रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स आने हैं बेहतरीन। क्यों? क्योंकि एसेंचर के जो इंडिया जो वर्ल्ड की टॉप नंबर वन कंपनी है एसेंचर, उसने रिजल्ट दिया है पॉजिटिव, तो इसी वजह से आईटी कंपनी के रिजल्ट आने हैं अच्छे, और इसी वजह से आज के दिन में देख सकते हैं लगभग 4% की जंप देखी गई है। और अगर हम इसकी बैलेंस शीट यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ सब कुछ देख लेते हैं टीसीएस का, तो देखिए 10,98,792 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है, 34 के पी पे मिल रही है, और आरओसीई 47। मतलब अगर ये कंपनी को में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 30 साल के लिए, तो आपके पैसे कितने 100 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। तो ये कंपनी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्स की, तो यहाँ आप देख सकते हैं सेल्स 2017 के दिसंबर में 30,904 रुपये की सेल्स थी, जो कि अभी बढ़ते बढ़ते सितंबर में यहाँ पर देखिए 40,000 रुपये की हो चुकी है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट 6531 करोड़ रुपये का था सितंबर दिसंबर 2017 में, जो अभी बढ़ के 7475 करोड़ रुपये हो गया है। कोविड की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें गिरावट दिखाई गई है, मार्च से थोड़ा सा लो है, बट पहुंच जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। कोविड का भी रीज़न है कोविड में, तो बल्कि ये कंपनीज और भागी है। ओके, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की अगर ईयरली बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सीधे प्रॉफिट पर ले चलता हूँ आपको। नेट प्रॉफिट जो 2009 में कितना 5,256 करोड़ रुपये था, लगभग 30,650 करोड़ रुपये का यहाँ पर, 30,650 करोड़ रुपये का भी 12 महीने में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है नेट प्रॉफिट। अगर बैलेंस शीट की भी अगर हम बात करें, तो बैलेंस शीट बहुत ही साउंड है, बहुत ही पॉजिटिव है। अगर रिजर्व्स देखेंगे, तो रिजर्व्स देखिए क्या कंपनी के लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के आसपास से रिजर्व्स होने को आ रहे हैं, 95,000 करोड़ रुपये के रिजर्व्स यहाँ देख सकते हैं। बोरिंग की बात की जाए, बोरिंग मार्च तक कुछ भी नहीं थी 2019 तक, बट यहाँ पर मार्च अभी थोड़ी सी बोरिंग, जो कि अभी आपको गिरवी शेयर दिखे थे, ओके उसी में ये इसे बोरिंग को काउंट करते शायद, तो 7,882 करोड़ रुपये की यहाँ पर बोरिंग आपको दिख रही है, 7,882 करोड़ रुपये की बोरिंग कुछ भी नहीं है रिजर्व्स के आगे, जब चाहेगी कंपनी चुका देगी। इन्वेस्टमेंट देख लीजिए 36,617 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है, और अगर हम टोटल एसेट की अगर हम बात करें यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो लगभग 10,000 करोड़ रुपये के यहाँ पर देखिए क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगर बोरिंग की बात की जाए कितनी है 7,000, तो ये कैश कैश इक्विवेलेंट मतलब हाथ में कैश है, जैसे जेब में कैश होता है ना, वैसे हाथ में कैश है, जब भी चाहे बोरिंग को उतार देगी। एसेट देखिए एसेट किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आया है। कैश फ्लो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगभग 32,369 करोड़ रुपये के एसेट है, सॉरी कैश फ्लो है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो प्रमोटर्स के पास 72% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और अभी जैसे शेयर लिए है, जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो और भी ज़्यादा होता हुआ हमें नज़र आएगा। यहाँ पर शेयर का पैटर्न टाटा देखिए, यहाँ पर ये यह अलग अलग लोगों के पास अलग अलग, यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन 0.03, बाकी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जिसमें सभी एक ग्रुप है, उसमें 72.02% के यहाँ पर शेयर्स हैं उनके पास। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए भर भर के है, लगभग 16% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर्स की है। डीआईएस की बात करें, तो डीआईएस के पास लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी के पास लगभग 3.93% की, गवर्नमेंट के पास अगर हम बात करें तो 0.07% की हिस्सेदारी है, और दूसरे डीआईएस टोटल डीआईएस मिलकर 7.85% की, और पब्लिक के पास 4.03% की हिस्सेदारी ही केवल है। बट देखिए पब्लिक के पास कितनी कम है, बाकी लोगों के पास भर भर के है। तो ऐसे ही लॉलीपॉप देखे, ओके 16 आपको 3,000 रुपये में शेयर खरीद लिया, और अभी यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी देर में ही ये शेयर मतलब एक दो दिन में ही लगभग 3,200-3,300 रुपये जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि रिजल्ट्स पॉजिटिव आने हैं। रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो ये शेयर ऑब्वियस सी बात है और तेज भागता हुआ हमें और नज़र आएगा। तो इसलिए अच्छी कंपनीज में लाइक विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, इनमें हमें शेयर नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये सदाबहार कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है। तो इन शेयर को पकड़ के लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना होता है। तो कोई नहीं, आगे से इस बात को याद रखना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बजाज जो आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।